अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आज स्वीप के तहत टीडीबी कॉलेज के साथ गूगल मीट के जरिए एक इंटरेक्टिव सेशन और क्विज मुकाबले का अहतमाम किया गया। रानीगंज में तकरीबन 100 तलबा ने सेशन में शिरकत की और भरपूर शिरकत की। अहम आमूर जेर बहस आए नए वोटरों की शमूलियत, 80 से ज़्यादा इलेक्टर्स और PWD इलेक्टर्स के लिए पोस्टल हेल्थ बेदारी की तख्लीक, कोविड बेदारी पैदा करना और वैक्सीनेशन की मुतनासिब कोरेज के लिए तहरीक देना। BDO रानीगंज और इलेक्शन टीम ने भी हिस्सा लिया। And district election officer. আমার district ম্যাজিস্ট্রেট বা district election officer যেরকম আমাদের instruction দিয়েছে সেই অনুযায়ী এই কথাটা আমি তোমাদের বলতে যাচ্ছি। We all know that we have passed through a very trying time of COVID. This world, our times have seen such things during COVID, which we have never thought, we have never read in storybooks also. We have seen Myself in the part of the administration have seen about 50 to 60 bodies falling each day due to COVID. Very sad state of affairs. Anyways, with lot of hand holding and cooperation from you all. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th टू 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 टू 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822। जजिंदर कुमार तिवारी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू। जब कोई सियासी पार्टी का रंग बदलता है, नज़रिए को तब्दील करना फितरी है, जज्बात और लोगों के लिए काम करने का तसव्वुर, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हैरत अंगेज कोई बात नहीं है, कबूल करना या इनकार करने के लिए कुछ नहीं है। श्री तिवारी ने हाल ही में BJP में शमूलियत इख्तियार की है, अब वो पांडेश्वर असेंबली हलका से उम्मीदवार हैं। इन्हें BJP के कुछ कारकुनों के एहतजाज के बावजूद जीतने का यकीन है। आइए हम इनका इंटरव्यू देखते हैं। आज कुछ कदम उठाने की जरूरत नहीं है। देखो तीनों राजनीतिक दल तीन दर्शन से जुड़े हुए हैं। जो लेफ्ट फ्रंट तो अभी अप्रासंगिक हो चुका है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो बांग्लादेशी जिहादियों का जो कल्चर है, उनका जो सोच है उससे तृणमूल कांग्रेस की सोच मिल रही है। आप तृणमूल कांग्रेस का जितना भी स्लोगन देखिएगा, बांग्लादेशी के खालिदा जिया का जो स्लोगन है वही तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन है। और भारतीय जनता पार्टी भारतीयता, देश के प्रति प्यार, देशभक्ति, ये जो सोच है इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, करते हैं, भारतीयता के साथ रहना चाहते हैं, वो हमें समर्थन करें। और जो खालिदा जिया का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, बांग्लादेशी जिहादियों का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे। और मुझे उम्मीद है कि पांडेसर में जिहादियों का साथ देने के लिए तो कोई सामने नहीं आएगा। किसान मोर्चा के लोग, पांडेसर के किसान तो हम लोगों के साथ घूम रहे हैं। अब पंजाब से हरियाणा से कौन आके यहाँ पर किसान के नाम पर क्या करता है, मैं और जो लोग आए थे उनका तो उनको देख के किसान तो लगता नहीं है। शायद मैंने पता चल किया है कि बड़े बड़े होटल में यहाँ पर रुके हुए थे किसान। चाहते हैं न्यूज मोमेंट की तरफ से कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं अभी जीतने के लिए। देखिए पूरे बंगाल को लेकर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है और उस सपने का खुलासा उन्होंने अपनी जो दो सभाएं की उसमें उन्होंने किया है। और वो सपना जब पूरा होगा तो पूरा बंगाल भारतवर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। और जब बंगाल आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ पांडेसर के लोगों का जो सपना है वो भी पूरा होगा। मेरे पूछ और अभी आपका सामने कुछ मुश्किल लग रहा है। जब एक राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आना चाहती है या सत्ता में आने के बहुत करीब होती है तो बहुत से एस्पिरेंट बढ़ जाते हैं, बहुत से लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं। और एक एक विधानसभा क्षेत्र में 30-35-40 ऐसे लोग, प्रत्याशी तो कोई एक ही बनेगा, तो जो लोग प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे उनके मन में थोड़ा तात्क्षणिक गुस्सा अभिमान होता है और कभी कभी वो बाहर भी निकल जाता है, तो यही सब थोड़ा बहुत हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। आप इस पर देसलकर से विकास प्रसाद के मुताबिक
प्रोग्राम रवायती अंदाज में जुमा के रोज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 105 नंबर वार्ड के तहत दीसरगढ़ प्रस्थान में पीर बाबा के उर्स के मौके पर अंजाम दिया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों का एक बड़ा हुजूम देखा गया। ताहम दूसरे सालों में जंगलात की कटाई बहुत कम हुई है। रात को लंगर प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। मालूमात के मुताबिक पीर बाबा का उर्स यहाँ हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद चादरपोशी और प्रोग्राम होता है। इस मजहबी प्रोग्राम के दौरान पीर बाबा के गुसल का पानी लेने वाले अकीदतमंदों का हुजूम बहुत बेताब नज़र आया। ताहम खादिम के जरिए सबको पानी फ्राहम करने के इंतजाम किए गए थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल के सिर्फ 2 दिन बाद कोरोना पर लॉकडाउन लगने की वजह से मेले में आने वाले दुकानदारों ने बहुत मायूसी का सामना किया था। ना तो वो यहाँ आमदनी हासिल करने के काबिल था और ना ही वो यहाँ से कहीं जा सकते थे। लेकिन इस बार फिर मेले में खेलों का मेला और खिलौना स्टोर आ गया। खादिम ने बताया कि इस मरतबा सिर्फ 7 दिन के लिए मेले का अहतमाम किया गया है। शरायत को देखते हुए उर्स में इस बार कवाली का अहतमाम नहीं किया गया है। ताहम हुकूमती आगाही प्रोग्रामों के बावजूद लोगों के पास कोरोना से बचने के लिए कोई मास्क नहीं है। जिला पुरुलिया के काशीपुर असेंबली से तृणमूल के दरख्वास्त गुजार सुपन कुमार बलतरिया की हिमायत में निकले गए रोड शो पर जुमा के रोज तृणमूल स्टार महम चलाने वाले खेला होबे के मुसन्निफ दिवानशु भट्टाचार्य ने शिरकत की। रैली हुडा के नीमतला मोड़ से शुरू हुई और पेट्रोल पंप तक तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान दिवानशु चौधरी को रास्ते में देखने के लिए लोगों का हुजूम देखा गया। तमाम हामी कारकन खेला होबे गाने के लिए सारे रास्ता मार्च कर रहे थे। दिवानशु खेला होबे नारा तृणमूल का नारा बन गया है। पार्टी के सारे कारकन इसकी शिकायत में मुमतला है। सीतारामपुर आसनसोल में 19 मार्च बनपुर में बन मयारी फैक्ट्री सन 2016 में बंद हो गई थी। इस फैक्ट्री के कारकन बनपुर में वेगन कॉलोनी में अपने कुंबा के अफराद के साथ रहते हैं। वेगन कॉलोनी में बिजली और पीने के पानी के बारे में तवील अरसे से दुश्वारी थी। रिहायशियों ने इस बार असेंबली इंतखाबात का बायकॉट करने का मुतालबा किया है। ये वेगन कॉलोनी आसनसोल जनूबी असेंबली हलका के अंदर आती है। इस हलके में तृणमूल कांग्रेस के स्टार उम्मीदवार साई घोष समझती है कि इंतखाबात का बायकॉट करने से कोई मसला हल नहीं होता है। मैं वीगन कॉलोनी की रिहायशियों से मुलाकात करूंगा। सैनी घोष ने जुमा की सहपहर को आसनसोल बाजार के करीब जीटी रोड पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मैं इनके मसाइल सुनूंगा और इनको हल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इसे हल करूंगा, मैं ये वादा नहीं कर सकता, मुझे ये इतनी ज़ाती ताकत क्यों नहीं है। इस मरकज से बीजेपी उम्मीदवार राज्य महिला मोर्चा की सदर अग्निमित्रा पॉल हरीफ पार्टी के उम्मीदवार को एक मुखालिफ की हैसियत से कबूल नहीं करना चाहती। इस तनाजुर में साई घोष ने कहा, अग्निमित्रा मेरी सीनियर हैं, जब तक वो कोलकाता में है, जब तक वो आसनसोल की बेटी है, मैं भी कोलकाता में हूँ और वो समझता है कि ममता बनर्जी वाहिद मुखालिफ है, तो मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, लोग इसके फैसले के जरिए इसका जवाब देंगे। कुल्टी से राजेश हरी के मुताबिक आसनसोल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 65 की सफाई अमला ने वार्ड का सफाई का काम रोक कर कुल्टी थाने के सामने मुजाहिरा किया। इल्ज़ाम के वार्ड के सबक दोष होने वाले कौंसलर अख्तर हुसैन ने बगैर किसी वजह के आखिरी तारीख को इस पर हमला किया, जिसकी वजह से हरी समाज ने वार्ड नंबर 65 की सफाई रोक दी और कुल्टी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब इलाके के सबक दोष होने वाले कौंसलर अख्तर हुसैन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसा वाक्य पेश आया है, इन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि झाड़ू देने वाले काम नहीं करते हैं और शराब नहीं पीते हैं, इसीलिए मैंने एहतजाज किया है। हाँ
अरे नाम टा बोलो आगे ठीक है ठीक है ठीक है बजे उन लोगों को टिफिन करने के लिए आधा घंटा का छूट दिया जाता है, आधा घंटा के अंदर टिफिन कर लीजिए, 10 बजे से फिर आप ट्रेन का काम में लग जाइए। सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक झाड़ू का काम होता है और उसके बाद 10 बजे से लेकर ड्रेन का काम होगा 2 बजे तक। ये लोग जो है क्या करता है, जब भी आता है यहाँ पे काम करने दारू पी के आता है। सबसे पहला बात जो हम पसंद नहीं करते हैं, दारू पी के आएगा ऑटोमेटिक है, आदमी के साथ व्यवहार ठीक नहीं करता है ये। उसके बाद जो है ये लोग जहाँ जहाँ काम करता है उस एरिया में उस गली में आदमी लोगों से 5 रुपये 10 रुपये में मांगता है। इन लोगों को जब पैसा दिया जाता है तो ये लोग क्यों पैसा मांगेगा, इसी की वजह से विरोध किया है ये लोग कि तो हमारा काम में बाधा दे रहा, हम जो मांगते रहे हमको मिलता रहा बाधा दे रहा है। तो लोगों ने थाना में जो है शिकायत भी दर्ज किया, मांगा लगता था हर क्वार्टर से 5-5 रुपये लेना सर। दादा मैं हेलो हाँ सर बोलिए। वो पोस्ट ऑफिस के पास कोई झमेला हुआ था उस दिन परसों? नहीं झमेला नहीं हुआ था, मतलब हम फोन किए थे नाली यहाँ हम लोग पूरा जाम था तो हम अक्सर भैया को फोन किए कि नाली जाम है, कीड़ा सब नाली के ऊपर से चल रहा है, वो कोई सुपर भेज दीजिए। तो हाँ तो एक बार फोन किए तो वो लोग नहीं आया था, फिर दोबारा हम करीब आधा घंटा बाद फोन किए तो अक्सर भैया से कि अभी तक आया नहीं कोई। तो वो बोले कि हम तो कब के भेज दिया नहीं किया लो, तो बोला अभी तक आया नहीं आया लो। तो फिर वो 10-15 मिनट के बाद आया आया तो यहाँ पर नाली वाली सफाई किया लो। हम ले जाकर अक्टर भैया बोले कि नाली दिखा दीजिए किधर किधर सफा करना, तो लाइक दिखा दीजिए सफा किया लो। उसके बाद वो लोग आता लो तो जब आता लो तो क्वार्टर से हर क्वार्टर से 5 रुपये करके सब देता है, कुछ से देता है, कोई मांगता लो चाहे पानी के लिए तो दे देता है। ये लोग काम करने के लिए लोकल लोगों से पैसा मांगता है क्या? ना मांगता लो, जैसे हर दरवाजा पर जाकर ठोकता लो, बोलता है 5 रुपये दीजिए चाहिए दारू बारू पीने। अच्छा और ये लोग तो टाइम पे नहीं आता है काम में, बोलने से 2-3 बार बोलने से एक बार आता है, इस तरह का तो हाँ वो भी नाली जानते हैं सर, मोटा मोटी 20-25 दिन के बाद कल सफाई हुआ है, 20 दिन का 25 दिन के बाद सफाई होता है। सफाई जल्दी बोलने से नहीं आता है लो, आप बोलने से भी बोलता है लो कि वहाँ पर काउंसलर को फोन करिए तब हम लोग आएंगे। ठीक है हम जानने के लिए हमको भेजा है थाना से, क्या हुआ नहीं हुआ था वो थाने में दिया था 20 दिन बाद। हाँ सर तो मैं हंगामा कर रहे फालतू में, और कोई झमेला नहीं हुआ था। ठीक हाँ कुल्टी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बर्बाद हुए रुपए की 48 घंटों के अंदर फौरी कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को रुपए समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ाकर के एक ताजिर ने मुलाजिम से पैसों से भरा बैग छीन लिया तो मुलजिम फरार हो गया। बैग में 6 लाख रुपए थे। जब वो बढ़ाकर के एक सरकारी बैंक में रकम जमा करने जा रहा था इसी दौरान मुलजिम रकम भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। थाना कुल्टी की पुलिस ने वाके के इल्ज़ाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया। ADCP के ACP मोहम्मद उमर अली मौला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने कुल्टी और आसनसोल के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारा और CCTV फुटेज की मदद से 48 घंटों के अंदर 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से पैसे बरामद हुए हैं। आसनसोल शुमाली असेंबली से ताल्लुक रखने वाले BJP के उम्मीदवार आसनसोल शुमाली असेंबली के उम्मीदवार बनने के बाद वो जुमा के रोज आसनसोल के मशहूर माँ घाघरपुरी मंदिर में पूजा करने के बाद इंतखाबी महम में गए थे। अहाते में वाकया बाबा मंदिर तमाम देवियों और वहाँ के करीब के गाँव में बंगाबंदी में इंतखाबी महम चलाई। दूसरे मौजूद थे कृष्णेंदु मुखर्जी ने देहातियों को दरपेश मसायल सुने। इन्होंने कहा कि बंगाल में BJP की हुकूमत लाने के लिए BJP को कमल के निशान पर वोट देकर जीतना होगा। देहातियों ने कृष्णेंदु मुखर्जी को भी सराहा। इसके बाद
वो रामकृष्ण आश्रम गए और आश्रम के आका और महाराज जी से आशीर्वाद हासिल की। निघा से रवि पासवान के मुताबिक पांडेश्वर असेंबली खत्ते में असेंबली इंतखाबात से कबल तृणमूल को धचका लगा। पांडेश्वर के तृणमूल के उम्मीदवार के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद करते हुए मरकज पंचायत के चार अरकान और पार्टी कारकर्नों ने तृणमूल छोड़ने का ऐलान किया। जुमा के रोज निघा के एक होटल में मुनाकदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी पंचायत मेंबर विश्वरूप मुखर्जी, पंचायत मेंबर सा युवा टीएमसी के जिला जनरल सेक्रेटरी प्रहलाद साव, पंचायत मेंबर सा सर्कल के चेयरमैन हरदन गोराई और पंचायत मेंबर गणेश नोनिया ने तृणमूल छोड़ने का ऐलान किया। इंतखाब से कबल उम्मीदवार पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए टीएमसी को छोड़कर टीएमसी को एक बड़ा धक्का समझा जाता है। ताहम इस वक्त इन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बारे में कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अमकान है कि वो लोग जल्द ही बीजेपी के उम्मीदवार जतेंद्र तिवारी की क्यादत में एमएलए सा पांडेश्वर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। রাজনীতিতে থাকি, রাজনীতি মানুষের সমাজ সেবা করি, তাই যদি কোনো রাজনৈতিক দল আমাদেরকে অফার করে আমরা অতি অবশ্যই কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করবি। আশীর্বাদ হামলোক মিলা হয় আগর হামলোক যে বিধায়ক থে হামলোক জিতেন্দ্র তিওয়ারি মাস হ্যায় ও আগর হামলোক আশীর্বাদ পে কাম আয়েঙ্গে আগর হামলোক কো ভগবান কা দিয়া হুয়া জো आज इस बात का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि आपको पार्टी से ऑफर है? आप क्यों नहीं खुद चल करके जाते कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ? नहीं, अगर हम खुद जाए किसी जगह तो उस जगह पर लगेगा कि हमको जरूरत है उनका, हमको जनगण का जरूरत है, हमको पार्टी का जरूरत है, हमको बुलाएंगे हम आए। आपको क्या लगता है जितेंद्र तिवारी के साथ आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100 बार उनके कोलकाता नंगल डैम लखनऊ के दरमियान होली तमाशे का ऑपरेशन। आसनसोल में आइंदा होली के त्यौहार के दौरान मुसाफिरों के इजाफी रश को निकालने के लिए कोलकाता नंगल डैम और कोलकाता लखनऊ के दरमियान हफ्तावार खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। 04520 नंगल डैम कोलकाता फेस्टिवल सुपरफास्ट एक्सप्रेस नंगल डैम 20 मार्च 2021 से 27 मार्च 2021 तक 6:50 पर खुलेगी और अगले दिन 2:45 पर कोलकाता पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन की रवानगी का वक्त अगले दिन सुबह 11:28 पर होगा। 04519 कोलकाता नंगल डैम फेस्टिवल सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोलकाता से 22 मार्च 2021 से 29 मार्च 2021 तक चलाई जाएगी, जो सुबह 7:40 पर खुलेगी और अगले दिन 3:55 पर नंगल डैम पहुँचेगी। इसी रोज़ इस ट्रेन की रवानगी का वक्त इसी दिन सुबह 10:48 पर होगा। 04222 लखनऊ कोलकाता दो हफ्तावार एक्सप्रेस हर मंगल और जुमा को 23 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 के दरमियान लखनऊ से सुबह 11:55 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 9:45 पर कोलकाता पहुंचेगी। अगले दिन आसनसोल में इस ट्रेन की रवानगी का वक्त 3:45 होगा। 04221 कोलकाता लखनऊ दो हफ्तावार त्यौहार एक्सप्रेस कोलकाता से हर बुध और हफ्ता के रोज़ 20 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के दरमियान कोलकाता से 11:55 पर खुलेगी और अगले दिन 8:30 पर लखनऊ पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन की रवानगी का वक्त अगले दिन 3:27 पर होगा। इन दोनों खसूसी ट्रेनों में वातानुकूलित और स्लीपर क्लास कोच होंगे। जमा कोलवरी में शोभश बोरी के जरिए अवामी राबता महम चलाई गई। पांडेश्वर असेंबली हलका से सीपीआईएम के दरख्वास्त दहिंदा सुभाष बोरी ने बहुला पंचायत की जमात माझी वास्ती में अवामी राबता महम का आगाज किया और इस मौके पर सीपीआईएम के रहनुमाओं दिलीप दास मानिक पोरी, राम कुमार तिवारी के हमरा काफ़ी लोग मौजूद थे। इस मौके पर सीपीआईएम के और पार्टी के दीगर मेम्बरान भी मौजूद थे। सुभाष बोरी ने कहा, मैं आपका अपना बेटा हूं जो जब चाहे आपकी खिदमत के लिए तैयार होऊंगा। दिलीप दास मांग पूरी ने मोदी को मरकज से मोदी को बचाने के लिए कहा, हटाना चाहिए। पर बाद बोरी ने कहा कि मोदी सरकार मुल्क के कॉलोनी, रेल, बैंक बेच रहे हैं और अगर बीजेपी को नहीं हटाया गया तो मुल्क को बेच देगा। लोकतंत्र का क्या बोलना है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है यहाँ। पूरा पश्चिम बंगाल से ही नहीं, पूरा भारत देश में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। उसी के लिए हमारे पश्चिम बंगाल सरकार, हमारा जो पब्लिक है उसके पास एक सुयोग आया है कि विधानसभा का चुनाव है,
आने वाला हमारा 29 अप्रैल को हम लोग का इस इलाका में, जो अभी 26 अप्रैल को, और अभी हम लोग का मार्च में 27 तारीख को शुरू हो जाएगा, लेकिन हम लोग का बारी आएगा 26। तपस बंदोपाध्याय ने अंडाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दीदी के इंतखाबी मंशूर से आगाह किया। अंडाल रानीगंज असेंबली से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस ने अंडाल तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आलम ममता बनर्जी के इंतखाबी मंशूर की खसूसियत के बारे में मालूमात दी। इन्होंने कहा कि वजीर आला ने ऐलान किया है कि आम लोगों को बेवा पेंशन की तरह नौजवानों और OBC और कबायली मुआशरे के लिए तालीम में मजीद बेहतरी की तरह ये मगरबी बंगाल में 500 रुपये की तारीख है, जो दीदी ने ऐलान किया है कि ऐसा रोज़गार दिया जाएगा जो कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आम लोगों से कहूं कि वो तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस को रियासत में लाएं और रियासत के आवाम के साथ अमन व हम आहंगी को बरकरार रखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर और जिला परिषद करमाडिया क्लोबरन मंडल समेंटर कांचन मित्रा मनाती हिजड़ा युकरा आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार सिंह, यूथ तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर रूपेश यादव, अंडाल पंचायत समिति के नायब सदर कोशक मंडल वगैरह मौजूद थे। सुपर स्पेशलिटी हासपाल प्रत्येक जिला सदर हो आगामी दिन यही महकुमा स्तरे पहुँचे दीते चान ये अंगीकार कर बार्धक्यवता विधवाता तार कोनो बार ना रेखे तार कोनो सीमा रेखा ना रेखे प्रत्येक उद्योगे जरा जेको कारण हक तर स्वामी तर ऐड़े चले जाए एक असह अवस्थार मध्य दिन काटे समस्त से सब जरा विधवा हो जा। हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन आसनसोल में 19 मार्च 2021 को मुसाफिरों के रश के पेश नज़र हावड़ा और नई दिल्ली के दरमियान एक खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी 02267 हावड़ा नई दिल्ली 2 अप्रैल 2021 से हर हफ्ता और जुमा को 8:30 पर हावड़ा से खुलेगी और दूसरे दिन 6:35 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का रवानगी का वक्त इसी दिन सुबह 11 बजे होगा। 02268 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन पटना और डंकुनी के जरिए अगली हुक्म जारी होने तक 3 अप्रैल 2021 से नई दिल्ली तक होगी। एक मंगल और हफ्ता को रात 12:40 पर खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 10:35 पर हावड़ा पहुंचेगी। आसनसोल के लिए इस ट्रेन का रवानगी का वक्त दूसरे दिन 7:40 पर होगा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, लिव इन ग्रेटिट्यूड व्हेन यू आर थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव यू आर ऑलवेज रिवॉर्डेड विथ मोर। शुक्रगुजार रहो, जब आप अपने पास मौजूदा चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो तो आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा का बदला दिया जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।